आउटकम्स निकल के आए तो बहुत सही रहता है. ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. एंड एक्चुएटर्स इज अगेन बैक विथ इंडस्ट्री सेशंस. तो बेसिकली जो मैं बोल रहा था कि एक जो प्रोफेशनल है ना, हम लोग क्या करते हैं जब हमको जॉब का दरकार पड़ता है, जॉब का दरकार कब पड़ता है, जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं. तो ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अब हमको जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए अब हम वैसे ही एक्ट करने लग जाते हैं. लाइक हम लोग टेक्निकल के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम लोग बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, हम लोग कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, क्या टोन में बात करना है, क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए. बट ये डे वन से चालू होना चाहिए. हमने हमारे स्टूडेंट में ये इनकलकेट किया कि भाई डे वन से आप ये चीज सीखो कि क्या एक्चुअल में चाहिए कि आप इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाओ. एंड वो जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो इंडस्ट्री में अच्छे पोजीशन में काम कर रहा है, मैनेजर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे, जिसको 5 साल 6 साल हो गए हैं, जो नियर टू क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफाइड है, वो ही आपको बता सकता है. देखो मैं बहुत कम ऑफिस गया हूँ, ठीक है ना, तो मेरा वो कल्चर नहीं रहा ऑफिस का. बट डेफिनेटली आज के दिन पे मेरे को ये लगता है कि आप कैसे बात करते वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं भी जब कॉलेज में था मेरे को लगता था क्या बकवास चल रहा है ये, ठीक है ना, क्या कम्युनिकेशन, खाली पेपर क्लियर करो एंड पैकेज लगेगा. ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बहुत एक रिमार्केबल डिफरेंस आता है. एंड आपका जो कम्युनिकेशन आएगा वो आपके नॉलेज लेवल से आएगा, हाउ अवेयर यू आर, हाउ थिंग्स आर वर्किंग. सो ट्विंकल, वी वेलकम यू टू अवर टॉक शो. सो बेसिकली ट्विंकल इज वर्किंग इन द GI इंडस्ट्री एंड ट्विंकल को हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं. तो मैं उनसे कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, शी इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज, है ना ट्विंकल? तो हाँ, तो बेसिकली, एंड देखो मैं एक बात बताऊं, कुछ ना कुछ तो ट्विंकल अलग कर रही है जो हम लोग सब नहीं कर पाए. मैंने भी IAS एग्जाम दिया बट मेरा कभी रैंक नहीं आया. तो कुछ तो उसके स्ट्रैटेजी में अलग है जो आज वो हम सबके साथ शेयर करेगी. तो उसका 2 बार रैंक 1 आया, एक बार CP3 में भी आया और एक बार SP7 में भी आया. तो ट्विंकल वेलकम टू अवर टॉक शो. सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमें. थैंक यू सो मच भैया फॉर मेकिंग मी जॉइन दिस सेशन. एंड लाइक आई से, मतलब मैं कलकत्ता से हूँ. मैंने एक्चुअल जर्नी अपनी कॉलेज में स्टार्ट की थी. अभी 13 पेपर्स हो गए एज पर द ओल्ड करिकुलम. एंड अभी मुझे 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है. एंड इनफैक्ट अभी 19 अगस्त को मैं 5th ईयर कम्प्लीट हुआ है. So I rather 5 years का भी experience, अभी looking forward to clearing 2 more papers and I guess that's all. अभी. So Twinkle, तुम सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने actuaries का field में क्यों enter किया? Okay. So actuaries ना, अगर मैं सच्ची बताऊँ तो this was not something in my plan. I was planning to do something in the economics field. तो मेरा plan थोड़ा सा hi-fi था economics side में. इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड ऑल करने का था पहले स्टार्टिंग में प्लान. बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट. मतलब मेन टाइम पे आई गॉट टू नो वहाँ पे बहुत डिप्लोमा चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स. सो मैंने आई बताया कि इतना नहीं हो सकता मेरे से. सो देन माई सिस्टर वॉज डूइंग CA. सो मैंने देखा था काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं CA में, दिन रात मेहनत एंड कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट का. तो CA मुझे लगा मेरे बस की नहीं है. सो इट वॉज लाइक ना थिंग्स वर गेटिंग कट आउट फ्रॉम माई लिस्ट. देन CS में मुझे इंटरेस्ट था नहीं. तो मेरे देन एक्चुअली इज समथिंग जो माय ट्यूशन टीचर इंट्रोड्यूस टू माय फैमिली कि ये एक नया एक कोर्स है, ऐसे करके है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, आज अच्छा फ्यूचर है जो. तो एंड माय मॉम वाज लाइक यू कैन डू दिस, ट्राई करके देखो, अगर नहीं हुआ तो MBA कर लेना. तो मुझे लगा ठीक है, ज़्यादा उम्मीद कर लिया इन्होंने मेरे से. बट ठीक है, ट्राई करके देखती हूँ. बट अगर नहीं हुआ जस्ट स्विच, मीन्स आई विल ट्राई फॉर 1-2 ईयर्स. अगर मुझे लगा कि मेरे लायक नहीं है तो मैं स्विच कर सकती हूँ करियर, ऑब्वियसली. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय एक्चुअल जर्नी बिकॉज ऑफ माय मदर. मतलब ऐसे कुछ प्लान था उठाया नहीं मेरा. ओके, सो ट्विंकल आप ये बताओ कि जैसे जब मैंने भी चालू किया था तो मेरे को स्टार्टिंग में तो ये लगा था कि बहुत ज्यादा इस कोर्स में मैथ्स और स्टैट्स है, राइट, बहुत ज्यादा क्वांट हैवी है ये कोर्स. अभी जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं बेसिकली वो लोग सब एकदम बेसिक लेवल पे होंगे, लाइक आप समझ लो CMCS लेवल्स पे होंगे. एंड आपने सिंस बहुत सारा पेपर्स क्लियर किया है तो आपको ये पता है कि एक ट्रांजिशन आता है. अब वंस यू क्लियर CMNCS उसके बाद नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं. तो उस ट्रांजिशन के बारे में हमें बताइए. एंड उस समय आप कैसे अपने माइंडसेट को डील करते हो कि भाई पेपर का पूरा पैटर्न जो बदलता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. सो जब है ना CMCS जो CT सीरीज वाला जो फेज है CM सीरीज वाला,
वंस यू क्लियर दैट ना, तो पेपर का तरीका चेंज हो जाता है. सी एम सीरीज में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर सिलेबस है, वी आर टॉट की अच्छा ये सीरीज टाइम सीरीज है एंड ऑल, तो अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ता है, प्रैक्टिस करते हैं सम सम सिमिलर सम्स प्रैक्टिस कर करके, वो एक नॉर्मल हमने अपने कॉलेज लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है एंड ऑल, वी कैन प्रैक्टिस एंड ट्राई एंड हो जाता है. बट वंस यू क्लियर दैट, जब सी पी सीरीज या एस ए सीरीज हम एस पी सीरीज करते हैं, वहाँ पे एक जो मेजर चेंज आता है ना, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेपर्स वो है जो हमारे वर्क में हमारे को बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है, दिस इज समवेयर रिलेटेड टू द वर्क वी डू इन द एक्चुअल फील्ड. ठीक, जैसे जनरल इंश्योरेंस के स्पेसिफिक पेपर्स है, लाइफ इंश्योरेंस के स्पेसिफिक है, तो सब हमें अलग अलग पेपर्स अलग अलग नॉलेज काफ़ी ज़्यादा वर्क में हेल्पफुल रहता है. एंड इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी फील्ड में वर्क करो, मतलब नॉलेज आप लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दैट डजेंट मीन कि आपने अब तक ये काम नहीं किया. रिजर्व फॉर एग्जाम्पल, अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में हो, आप अभी रिजर्विंग फील्ड से हो, इट डजेंट मीन कि आप अब प्राइसिंग का पेपर क्लियर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सो जो यहाँ पे जो डिफरेंस अपने अप्रोच में करना होता है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करो कि हाउ टू राइट द पेपर्स. जो मुझे मेरे को लगा सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आता है कि आंसर्स कैसे लिखना है, दिस इज समथिंग विच वी डोंट नो, बिकॉज हमारा फोकस रहता है वी नीड टू कम्प्लीट द पेपर सिलेबस, वी नीड टू कम्प्लीट द मटीरियल, जस्ट मार्कअप करना है, चीजें करनी है, ठीक है आ जाएगा, बट यहाँ पे वो वर्क नहीं करता है. फर्स्टली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर खुद से नहीं होता है ट्यूशंस ले लो, जैसे मेरा से एस पी सेवन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ, फिर मैंने मतलब ट्यूशन लिया, क्योंकि एक्चुएटर्स स्टार्टेड ट्यूशंस एंड ऑल, सो आई गॉट टू नो कि पहले एस पी सेवन के तो ट्यूशंस रहता भी नहीं है, सो आई थिंक आई एम नॉट श्योर कोई और इंस्टीट्यूट देता है नहीं देता है, सो आई ज्वाइन क्लासेस एंड उससे मुझे बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि क्या है क्या नहीं करना है क्या. एंड सेकेंडली आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, ऑलवेज मेक नोट कि ना कोई भी टॉपिक है उसको आप ब्रेक कर सकते हो कि हाँ ये इसमें ये चीज़ पॉइंटर्स है, माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एंड इससे बहुत हेल्पफुल होता है. एंड प्लान योर हैव अ गुड स्टडी प्लान, लाइक जो भी टॉपिक्स है ना उसको अच्छे से डेज में डिवाइड कर दो कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, स्टिक टू द स्टडी प्लान. जैसे कोई भी टॉपिक है अगर ट्यूशन में पढ़ा है, उसके बाद उसका मटेरियल गो थ्रू करो, फिर उसके बाद रिविजन बुकलेट अपने को सॉल्व करना चाहिए, उससे थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन का एक आइडिया मिलता है. एंड एक बार टॉपिक्स क्लियर हो जाए तो जितने ज़्यादा पेपर्स क्लियर करेंगे ना उतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन दीज पेपर्स, बिकॉज यू नीड टू नो द स्ट्रैटेजी कि आंसर कैसे लिखना है. तो जैसे जो सोल्यूशन इंस्टीट्यूट देता है ना, वो सोल्यूशन को एनालाइज करना होता है कि अच्छा ये ऐसे लिखने से ये मार्क्स मिलता है, ट्राई राइटिंग डाउन द पेपर्स, अपने आप को मार्क्स अलॉट करो, तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट. ये मतलब ये दिस द चेंज इन अप्रोच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सी एम सी एस में भी आपको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर है, बट इन दिस थिंग ना इन द हायर लेवल पेपर्स यू शुड बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे, मोस्टली आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखा जाता है, तो कॉमन पॉइंटर्स बना सकते हैं, तो यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे करना है, एंड जितना टाइम डिवोट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, मतलब इट्स तुक्के से नहीं हो सकता ये पेपर्स क्लियर. ट्विंकल, जैसे लोग बोलते हैं कि IFOA बहुत इजी है और IEI बहुत डिफिकल्ट है, जैसे आपने सारे पेपर्स IEI से क्लियर किए हैं? नहीं, मेरा CT5, CT6 एंड CP2 ये मैंने IFOA से किया था, बिकॉज उस समय कुछ सिलेबस में चेंज एंड ऑल आ रहा था, सो बट मोस्ट ऑफ दैट यू हैव डन इट फ्रॉम IEI, राइट? सो ट्विंकल, क्या आप हमारे आज व्यूअर्स को बूस्ट करना चाहेंगे कि भाई जो IEI से कर रहे हैं, आज एक बच्चा है मैं देख पा रहा हूँ जो पहला पेपर दे रहा है, आज आपने 13 पेपर्स क्लियर किए हैं. आज जब मैंने चालू किया था मेरे को तो ये लगता था क्या मैं कभी खत्म कर पाऊंगा, आज जब मेरा एक पेपर बचा है तो मेरे को पता है कि हाँ भाई जर्नी जब मैं पीछे देखता हूँ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा मेरे को. मेरे को ये था कि भाई कंसिस्टेंटली अगर मैं करता तो अभी तक मेरा और अच्छे से हो जाता. तो आप क्या बताना चाहेंगे अपने जर्नी के बारे में, एंड IEI क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, ये आप मेरे को बताइए. मेरा जर्नी एक्चुअली आई से ना थोड़ा सा मैंने ब्रेक्स लिए हैं अपनी जर्नी में काफ़ी. ठीक है, तो मेरा लाइक आई स्टार्टेड इन कॉलेज इटसेल्फ, बट मैंने बिकॉज थोड़े से कॉलेज एग्जाम्स के साथ क्लैश हो गए थे, कभी कुछ फैमिली का है, तो आई हैड टेकन गैप्स इन माई स्टडीज, मतलब बीच बीच में. आई से कि इसमें ना यू हैव, अगर आप सीरियस नहीं हो ना, इट्स नॉट कि आपका क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आई हैव लाइक स्टार्टिंग के पेपर्स
कम एफर्ट में मेरी क्लियर हो गई, तो आई वॉज लाइक हो जाएगा, कुछ मेहनत का नहीं है, ये तो सिंपल है. बट आई टुक इट लाइटली. देन इन आई अपीयर्ड फॉर सीटी 5 and 6 एंड आई वॉज ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं आता था. सो दैट इज समथिंग विच ट्रिगर्ड मी कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता. हाँ, सो आफ्टर दैट ट्विंकल, लाइक एक चीज आप मेरे को बताओ, जैसे आप जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, राइट? तो क्या काम करते हैं आप जनरली? आज के दिन पे भी लोगों को मैं ये समझा नहीं पाता हूँ कि एक्चुअली क्या काम करता है. तो आप बेसिकली क्या काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए. ओके, सो अगर किसी भी, लाइक अगर मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बात करूँ, सो एक्चुअरियल रोल ना इसमें तीन पार्ट होते हैं. एक होता है अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स एक अलग से भी है प्रोफेशन, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्चुअरियल बैकग्राउंड से हो, बट एक्चुअली किसी किसी कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं अंडरराइटिंग साइड में. ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइसिंग में, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, प्रीमियम जो कैलकुलेट होता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, तो उसका जो प्रीमियम का भी कैलकुलेशन होता है, दैट इज समथिंग जो एक्चुअली डिजाइन करते हैं. अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो अगर उसका बेसिस द एज, जेंडर या डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से जो भी रहेगा, कितना प्रीमियम चार्ज होगा, दिस इज समथिंग जो एक्चुअली डिसाइड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिजर्विंग, कि कोई भी क्लेम एक बार में नहीं आता है. इट टेक्स टाइम फॉर द क्लेम टू बी रिपोर्टेड टू द कंपनी, टू बी इंटीमेटेड एंड ऑल. सो वो उसके लिए जो कंपनी कुछ अमाउंट सेट ऑफ मनी होता है, जो एक रिजर्व क्रिएट करके रख देता है. सो दैट इज समथिंग जो रिजर्विंग टीम करती है. एंड इसके अलावा ALM होता है, सॉल्वेंसी होता है. सो दीज ऑल थिंग्स एंड कुछ एक्चुअल भी सबमिशंस होते हैं टू द रेगुलेटरी बॉडी. तो दीज आर द वर्क्स जो मेनली एक्चुअलीज करते हैं. एंड बहुत सारे कंपनीज में, जैसे इन्वेस्टमेंट साइड में भी एक्चुअलीज इन्वॉल्व है, रिस्क प्लानिंग में रहते हैं, बिजनेस प्लान जो बनता है, एनुअल बिजनेस प्लान, उसमें भी काफ़ी कंपनीज में एक्चुअल का इंपॉर्टेंट रोल रहता है. सो दीज आर द मेजर थिंग्स. और अभी तो बैंकिंग एंड सर्विसेज में भी एक्चुअल का रोल डेवलप हो रहा है. ट्विंकल, आप एक बात बताओ, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो उस समय क्या होता था ना, बहुत कंपनीज नहीं थे. एंड आज के दिन पे हमारा जो डेटाबेस है, बेसिकली हमारा एक प्लेसमेंट कंपनी है MK रिक्रूटमेंट, जहां से हम हमारे इनहाउस स्टूडेंट का प्लेसमेंट करवाते हैं. तो हमारे पास में लगभग 300 कंपनीज ऐसे हैं जिनका डेटा है हमारे पास में, जो इंडिया से लोगों को हायर कर रहे हैं बेसिकली, एक अलग अलग लेवल पे. कोई छोटा टीम है, कोई मीडियम टीम है. तो हाउ डू यू सी द इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड, एंड आपको क्या स्कोप लगता है इसका? सो आई विल से, ये जो इंडस्ट्री है इंश्योरेंस सेक्टर, पहले तो क्या था, इंश्योरेंस वाज नॉट अ पॉपुलर टर्म ओनली इन इंडिया. सो एज इंश्योरेंस इज ग्रोइंग, एज दिस फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी रिस्क फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है हर जगह, बिकॉज मनी, अब कंपनी डेवलप हो रही है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंपनी, मनी आ रहा है, तो मनी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, हर जगह रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क जहाँ इन्वॉल्व आर एक्चुअलीज आर देयर. सो आई विल से इसके कारण डिमांड फॉर एक्चुअलीज आर इंक्रीजिंग. आई विल नॉट से कि हाँ फ्यूचर में कैसा रहेगा वो तो नहीं पता, बट हाँ अभी करेंटली आई कैन से कि हाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आया भी है इन एक्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो. एंड अभी लाइक यू हैव अ स्कोप इन इंडिया, इन ग्लोबल मार्केट्स आर देयर, एंड एनी वेयर यू कैन जॉइन. मतलब बैंकिंग सेक्टर्स में भी अभी सुन रही हूँ कि डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक्चुअलीज आर गेटिंग हायर. सो यस ट्विंकल, आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप जैसे आप जब देखते हो, जैसे आपने बताया ब्रेक्स के बारे में आपने बताया, राइट? तो मेरे को आप एक चीज बताओ कि आप जब अपना पूरा करियर पीछे देखते हो, लाइक आपको रफली 7-8 इयर्स हो गए हैं, तो ऑब्वियस बात है अगर आज के दिन पे आप किसी को गाइड करोगे तो आप डेफिनेटली उसको ये चीज बोल पाओगे कि भाई इतना डिफिकल्ट नहीं है, तू 4-5 साल में कर लेगा. तो आप क्या गलतियां जो आपने की जो आप सामने वाले को सजेस्ट नहीं करोगे? नेम एनी 3. First was, as I mentioned, I took this course very lightly in the beginning. So that is an error जो mostly लोग करते हैं. अगर आपका एक बार आपका बिना पढ़े या हल्का पढ़ के वो पास हो जाता है, you take it very lightly and you think कि ये तो हो जाएगा. This is a normal thing. First mistake ये था. Second mistake जो मुझे अभी जब मैं SP series के लिए I was studying, I realized was कि I was just focusing on the material, on the guns, कि मेरे को ये contents हैं. I was like, मेरे को experience है reserving का, मुझे आता है, तो मुझे तो इतना पढ़ने की जरूरत, मतलब थोड़ा टाइम भी कम मिलता था, तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है मैनेज हो रहा है. लाइक टॉपिक्स आई वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, समझ रही थी, बट आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन हाउ टू राइट द आंसर्स.
सो वो जो है ना आंसर लिखने का पैटर्न, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कैसे लिखना है. और पेपर्स प्रैक्टिस थोड़ा मैं पहले नहीं करती. थर्ड था, आई डिड नॉट यूज टू प्रैक्टिस मच पेपर्स अर्लियर. अभी जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर अपियरिंग फ्रॉम IIS, बोथ इंस्टीट्यूट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एज मच पेपर्स. क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे खुद को मार्क्स दो कि अच्छा ये आंसर मैंने लिखा है इसमें ये मार्क्स है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दीज थ्री आर द मिस्टेक्स व्हिच आई डिड. ट्विंकल एक बात बताओ, आपने जैसे मेंशन किया कि आप एक दो बार फेल हुए एंड देन रैंक वन, तो एक डेफिनेटली आज के दिन पे लोग अगर एक बार एग्जाम देते हैं उनका नहीं होता है एंड देन दे आर लाइक कि भाई ये कोर्स हमारे लिए नहीं है, एंड उसके बाद में भी बहुत लोग होते हैं जो लोग 6 महीना साल भर तक उसके गम में रहते हैं. आज एक स्टूडेंट को उतना आइडिया नहीं रहता है कि हाउ टू कोप अप, तो आपने फेलियर से कैसे कोप अप किया? आई डोंट नो पर्सनली अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ड, तो आप अगर वो बता पाए कि भाई कितना बार आप लाइफ में इस कोर्स में बाउंस बैक किए हैं, एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू बेसिकली वी नीड टू नॉर्मलाइज फेलियर्स, राइट? एंड वी नीड टू ऑल्सो नॉर्मलाइज थिंग्स लाइक फैमिली इमरजेंसी, कॉलेज एग्जाम डेफरमेंट, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज की वजह से अगर आप कभी डेफर कर रहे हो तो वी शुड टेक इट लाइटली. तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, बाउंस बैक के बारे में थोड़ा बताइए. Among these 13 papers, ना I'll say कि कुछ पेपर्स है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए, कुछ पेपर्स है जो सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुए, एंड देर आर पेपर्स जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में भी क्लियर हुए. ठीक है, सो SP7 इज वन ऑफ देम जो मेरे को ठीक है. तो स्टार्टिंग में आई ट्राई नहीं हुआ, एंड फिर उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है तो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ, टफ पेपर है, आई नीड टू फोकस. मैंने उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ, बिकॉज आई न्यू उस समय मैंने इतने एफर्ट्स भी नहीं दिए थे कि मुझे थोड़ा मुझे एफर्ट करने की नीड है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा और एफर्ट किया, बट फिर भी नहीं हुआ. फिर आई वाज लाइक पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कुछ अभी तो मैंने अच्छे से लिखा था. मैंने कहीं ना कहीं मैं आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द इंस्टीट्यूट. मुझे लगा कि इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करने का तरीका गलत है, कुछ तो मैंने तो अच्छे से लिखा था. ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट में आई वॉज लाइक थोड़ा और प्रैक्टिस कर, थोड़ा और अच्छे से पढ़ती हूँ कि आप पता इस बार हो जाए. फिर नहीं हुआ मेरा, मुझे था कि यार पेपर क्लियर ही नहीं होगा ये वाला. तो मैंने एक बार तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गई थी मैं कि पता नहीं क्लियर होगा भी कि नहीं होगा. बट इन फोर्थ अटेम्प्ट दो एनर्जी कम थी, बट आई वॉज लाइक ठीक है इस बार कुछ तो एरर मेरे से हो रहा है. सो आई वॉज लाइक मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन किया, थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा. और आफ्टर ज्वाइनिंग ट्यूशन आल से मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो मेरी क्लियर हुई, जो मुझे टॉपिक्स को लेके, फिर आंसरिंग का पैटर्न को लेके भी मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली थी. ऑल थैंक्स टू एक्टिवेटर्स फॉर दैट. लाइक और उसके साथ पेपर्स मैंने जब देखा तब मुझे कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं जो लिख रही हूँ दैट इज़ नॉट अप टू मार्क, मुझे कुछ चेंजेस करने की नीड है. सो आई थिंक मैंने फेलियर से बस यही कि एक बार डिसहार्टन हुई, बट आई वॉज लाइक कि ये कोर्स चूज किया है, आई हैव टू कम्प्लीट इट, दैट शुड बी माइंड कि बनना है फेलो, तो फिर वापस रीस्टार्ट करो. थोड़ा जॉब के बारे में बताइए, जैसे अगर आप जब थर्ड ईयर पे थे तो लाइक आज के दिन पे आप इंटरव्यू भी करते हो मेरे को पता है, तो लाइक क्या खोजते हैं आप एक कैंडिडेट में, मतलब मेरे को ये बताइए इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है? Okay, so I can say from the point of a general insurance company, and given कि मैं reserving background से हूँ, मैं ये थोड़ा reserving side से ज़्यादा शायद मैं बोलूँगी. So first thing ना, जो चाहे वो कोई भी background हो, कुछ भी हो, what we search is कि एक तो candidate जो है उसका हम ये देखते हैं कि किस वे से जब questions पूछेस, not कि आप सही गलत क्या बोल रहे हो, confidence. फर्स्ट थिंग इज आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. ठीक है, सेकेंडली ऑब्वियसली अगर आपने अगर इफ इन केस यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस देन इट इज सीन कि आपका वर्क जो भी काम आपने किया है, डजेंट मैटर कि आपने उसी फील्ड में किया है और यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, वेर एवर यू हैव वर्क, वॉट एवर वर्क यू हैव डन, वी डू चेक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आपने जो काम किया आपको पता भी है कि आपने क्या किया कि नहीं किया, इट्स जस्ट कि यू हैव जस्ट डन द वर्क. तो वो चेक करते हैं हम कि कितना अच्छे से यू नो द वर्क विच यू हैव डन, एंड इन केस यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, मोस्टली क्वेश्चंस भी रिलेटेड टू योर वर्क एक्सपीरियंस ही होता है, जो भी आपने किया है अभी तक उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है. एंड इसके अलावा थर्ड थिंग इज, हाँ,
कोई पेपर क्लियर है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कितना अच्छे से आपने पढ़ के दिया है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन एनालाइज करते हैं एज अ कैंडिडेट हाउ यू आर. एंड एट टाइम्स इंटरव्यूअर ऑल्सो टेंड्स टू चेक कि अगर कोई सीन है, सपोज यू हैव नॉट वर्क इन अ पर्टिकुलर थिंग, या सिनेरियोज जो होते हैं ना, डिफरेंट सिनेरियोज क्वेश्चन करते हैं हम टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू आर गोइंग टू डील इन दैट सिनेरियो. यू जो एक सोचने means what will be your approach. So approach is something which is analyzed at times. Ki aapka kya approach rahega in different scenarios, what are you going to okay, this if this happens how will you do that, what's the solution you are going to find out in this case, what is going to be your approach. So ye jo this is a are the major things jo kahi bhi single, I would like to change the question, tweak the question a bit, like aap ye batao major reasons for rejection. क्यों एक कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है? मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ. मैंने जो इंटरव्यू लिया था, सो लाइक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एज ऑफ नाउ. रिजेक्ट होता है सपोज, बहुत बार क्या होता है ना, कैंडिडेट काम तो करता है लेकिन उसको पता नहीं उसने काम क्या किया है. तो ही सीवी में लिखा हुआ है कि हाँ मैंने ये मेरे को सपोज मैंने इस प्रोडक्ट का प्राइसिंग किया था एंड ऑल किया था, ठीक है, बट देन उस प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है कैंडिडेट को कि वो प्रोडक्ट है क्या, उसका हाउ इट फंक्शंस, उसके फीचर्स क्या है. तो वो इफ यू डोंट, एक तो वर्क नहीं पता हो उस कारण से रिजेक्ट हो जाता है. सेकेंडली एट टाइम्स ना बहुत बार ये होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं. यू शुड बी कॉन्फिडेंट बट बहुत बार ना अगर बहुत एक्सट्रीमली बोस्ट करते हो ना अपने आप को, एक्सट्रीम बोस्ट, यू शुड सेल योरसेल्फ बट एक एक्सट्रीम बोस्ट ऑफ भी नहीं करना चाहिए. मतलब तो कुछ कुछ केसेस में वो भी होता है जो अच्छा नहीं लगता. योर बिहेवियर, लाइक हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी कॉन्फिडेंट, काम, कंपोज्ड व्हाइल यू आर गिविंग योर इंटरव्यू. नर्वसनेस होती है बट दैट इज एक्सेप्टेबल, उससे कोई कोई किसी भी इंटरव्यूअर को कोई इशू नहीं होता है. सो आई थिंक ये मेजर रीजंस होता है कि आपने जो काम किया, अगर कोई पेपर, अगर दिस इज अ फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस तो पेपर के नॉलेज है आपको, हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस मैम, बेसिकली अगर वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस कारण से भी रिजेक्ट होता है कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस प्रॉपरली. सिंगल वन लास्ट पीस, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू एंड देन वी विल एंड द सेशन. So, आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट इज सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए मतलब पढ़ते तो सब है बट आपको क्या लगता है ये पूरा जर्नी को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या लगती है जो है इम्पोर्टेंट? यू नीड टू, मतलब व्हाट आई फील लाइक नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू द पेपर्स, आई लव माय कोर्स. अगर तो आई थिंक ना सबसे इम्पोर्टेंट ना, यू शुड बी डिवोटेड टू एनी वर्क यू डू. सो इफ यू आर स्टार्टिंग तो यू शुड, मतलब इट शुडंट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग यू आर डूइंग दैट. आप समझो, आप ट्राई करो क्यों, क्या करना चाहिए मुझे, क्यों नहीं हो रहा, मतलब क्वेश्चन योर सेल्फ, क्वेश्चन एवरीथिंग. जो भी चीज आपको दिखा रहे डोंट जस्ट बिलीव थिंग्स, क्वेश्चन. आई थिंक क्वेश्चनिंग थिंग्स, फाइंडिंग सोल्यूशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. एक और क्वेश्चन जो हमारे कम्युनिटी में आया अभी जस्ट, की क्या सॉफ्टवेयर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है अगर किसी को इंडस्ट्री में अपना डोमिनेंस क्रिएट करना है तो? I'll say ना कि डिफरेंट कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. SQL कोई कोई यूज करते हैं, पाइथन यूज होते हैं कंपनीज में, रेस्क्यू यूज होता है. तो डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग सॉफ्टवेयर है. आजकल मोस्टली कंपनीज के खुद के भी सॉफ्टवेयर है. बट या इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लाइक SQL, Python and all, even if अगर सारे सॉफ्टवेयर जानने पॉसिबल भी नहीं है, आपको अभी एटलीस्ट एक दो भी पता है, आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर आएगा कि इजिली अडाप्ट योरसेल्फ. तो एटलीस्ट कुछ सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू नो, इट्स बेटर. आई से थैंक यू सो मच ट्विंकल फॉर जॉइनिंग. वी हैव कीपिंग द सेशन शॉर्ट एंड डेफिनेटली वी विल कीप मोर सच सेशंस. सो थैंक यू सो मच ट्विंकल फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. एंड सारे व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद कि आप लोग सबने ज्वाइन किया. कल हमारा एक और सेशन हो रहा है सुबह 10 बजे, जिसमें हम CB1 एंड CB2 के बारे में बात करेंगे एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से. तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.